साथ झूठा कर देता है, मंदिर नहीं जाता, प्रसाद में चढ़ाने के लड्डू बच्चों को दे देता है, पुजारी का मजाक उड़ाता है, फिर पाप तो पड़ेगा ही ना। अरे लेकिन चाचा जी तो बहुत पूजा पाठ करते थे, फिर उनके उनके पैसे क्यों डूबे भाई? वही तो, बेटे के पाप बाप को ही तो भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? मतलब क्या सोच रहे हैं आप कि आपने पाप किए तो पापा जी का क्या होगा? वो नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि बबलू अगर पाप करेगा तो मेरा क्या होगा। वही तो, आप फिकर मत कीजिए, मैं कल सुबह मंदिर जाके फ्रेश मन्नत मांगूंगी कि विकास का काम अच्छे से हो जाए। हे भगवान शिवा, अरे बम बम बोले, पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बम बम बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो भगवान दास? तुम ये सोच रहे थे कि कहीं बबलू के पापों की सजा तुम्हें तो नहीं मिलेगी? नो नो नो, इट्स नॉट करेक्ट, नो इट्स लिटिल बिट करेक्ट, बट इट्स नॉट पूरा करेक्ट, आई मीन। चलो कोई बात नहीं यार, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग। नो नो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर ऑल्सो थोड़ा थोड़ा करेक्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज, छोड़ो यार इंग्लिश को, तुम ये बताओ कि बेटे के पापों की सजा क्या बाप को मिलती है? क्यों नहीं मिल सकती? जब बाप अपने बेटे का लड्डू ले सकता है, तो उसके पापों की सजा क्यों नहीं? शिवाय, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लड्डू एंड पाप? लड्डू इज लड्डू, पाप इज पाप, बेटा इज बेटा, बाप इज बाप। सो भगवान दास, तुम बहुत भूले हो। अरे पुत्र के पापों से पिता का क्या मतलब यार? तो फिर विकास की गलती से उसके पिता के पैसे क्यों डूबे? भगवान दास, पैसा किसी का नहीं होता, माया है माया। और अभी तो विकास के पास पूरे 2 दिन है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। नहीं शिवाय, बहुत मुश्किल है, पर ये क्या उसके नास्तिक होने की सजा है? हे यार, ये नास्तिक क्या होता है मुझे भी बताओ। तुम्हें नास्तिक नहीं पता? नहीं, इसीलिए कहता हूँ खाली बैठते हो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। अच्छा, सही कह रहे हो, मैं भी सोच रहा था कि बबलू के साथ स्कूल चला जाऊं। अरे बबलू के साथ मत जाना, जो जानते हो वो भी भूल जाओगे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि ये नास्तिक होता क्या है? देखो, नास्तिक वो होता है जो कभी तुम्हारी पूजा नहीं करता, जो कभी भी तुम्हारे मंदिर नहीं जाता, जिसकी तुम्हारे अंदर श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, वो नास्तिक है। तो क्या तुम नास्तिक होने पर सजा देते हो लोगों को? यार इतना भारी भरकम बुद्धिमानी का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में उपजता कैसे? अरे तुम्हें देता कौन है ये बॉबी? हाँ तो फिर ठीक है, उस बॉबी से ही जाके पूछूं इन सवालों का जवाब। अरे यार बताओ ना सीधे सीधे, यार क्यों उलझा रहे हो? अच्छा बताओ, पूछो। तुम ऑफिस जाते हो? हाँ। कहाँ से जाते हो? कहाँ से जाते हो मतलब, ये शॉर्टकट है, वहाँ से जाता हूँ स्कूटर लेकर। और वो तुम्हारा बॉस कालिया तो मेन रोड से जाता है? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि उसके पास कार है और कार उस गली में नहीं जा सकती। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो सिम्मी जी और अस्थाना है, वो ऑफिस कैसे जाते हैं? सिम्मी तो कभी कभी कालिया जी के साथ जाती है, पर दोनों का मुझे टोटल नहीं पता। हाँ लेकिन रामलाल का पता है, रामलाल जो है वो एक गंदा नाला जो है वो पुलिया क्रॉस करके जाता है पैदल पैदल। अच्छा, पर क्यों? क्यों क्या भाई? अरे जिसके घर से ऑफिस जैसे जिसको सहूलत पड़ती है वैसे जाता है, लेकिन हाँ उस रास्ते से वो पहुंच जाता है ऑफिस बस। यानी कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं, कई रास्ते हैं। हाँ। उसी प्रकार मुझ तक पहुंचने के भी अलग अलग रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ये ऑफिस पहुंचने का मंदिर पहुंचने से क्या मतलब या क्या कनेक्शन? भगवान दास, कई लोग मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिर जाते हैं। हाँ। कई लोग भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं। कई लोग बाबा फकीरों के पास जाते हैं, कई लोग भूखों को भोजन देते हैं, और कई लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लड्डू देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, टॉफी देते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं। कितनी मुश्किल बात इतनी आसानी से समझा दी ना। नहीं भगवान दास, कितनी आसान बात तुम कितनी मुश्किल से समझे।
What do you mean? How? अरे ये हाओ फाओ मतलब मतलब सब छोड़ो, मुझे लड्डू खिलाओ। लेकिन अभी तो तुमने खिलाए थे, पूरा डिब्बा का डिब्बा चढ़ाया भाई है। तुम भी थे, तुम्हारी वाइफ थी पार्वती जी, और बेटा भी था गणेश विद फैमिली। वो सारा प्रसाद वो जो मंदिर का पुजारी है वो अपने घर ले गया यार। अरे यार तुम मुझे लड्डू खिला दो प्लीज। दो ही है तो क्या हुआ भगवान दास, हम दोनों मिल बांट के खाते हैं। और क्या, और पता है मिल बांट के खाने से प्रेम बढ़ता है। ये लो, ऐसे लो। ये एक साथ खा लें। वन टू बॉबी। अरे इसमें प्रसाद के दो लड्डू रखे थे, वो खा गए दोनों ही खा गए। आप भी ना, दोनों भाई एक जैसे ही हो। दीन